नरसिंहपुर प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि संसार खेड़ा खदान पर रेत माफियों द्वारा पत्रकारों पर हमला किया गया था। वहीं प्रेस क्लब द्वारा प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो प्रेस क्लब इस मामले पर आंदोलन करेगा। जी हां, आपको बता दें कि विगत दिनों प्रेस क्लब की बैठक के बाद प्रेस क्लब अध्यक्ष रुद्रेश तिवारी ने उक्त घटना को निंदनीय बताते हुए ज्ञापन देने की बात कही थी। यह पूरा मामला साई खेड़ा के अंतर्गत संसार खेड़ा खदान में पत्रकारों पर हुए हमले से जुड़ा हुआ है, जहां दो पत्रकारों से बंदूक की नोक पर मोबाइल और कैमरा छीनकर आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें पत्रकारों द्वारा नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले पर जिला कलेक्टर वेद प्रकाश द्वारा कहा गया था कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई कठोर कार्रवाई की गई। पिछले दिनों जो संसार खेड़ा खदान पर हमारे पत्रकार साथियों पर जानलेवा हमला हुआ था, उसको लेके हम सभी पत्रकार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। एडीएम महोदय ने हम लोगों का वो ज्ञापन लिया, उनसे हमने आग्रह किया है कि आपने आरोपियों पर प्रकरण तो बनाए हैं, पर जिन धाराओं पर प्रकरण बनना थे वो प्रकरण आपने न बना के औपचारिकता कर ली। तो पहला तो हम लोगों का यही आग्रह था कि आप जैसी हमारे पत्रकार साथियों ने रिपोर्ट लिखाई है, मोबाइल कैमरा छीनने की, पर्स छीनने की, तो उन पर लूट का मामला बनना चाहिए। इसके लिए हम सभी पत्रकार साथियों ने प्रशासन से आग्रह किया और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी उस ज्ञापन की एक प्रति पहुंचाई है। तीन अलग अलग विषय हैं उनके। एक उनका यह है कि जो व्यक्ति मीडिया का कवरेज कर रहे थे उनके साथ अभद्रता की, उनके कैमरे छीने। दूसरा उनका ये कहना है कि जो डंपर और वो जो यानी चोरी कर रहे थे उनको भाग जाने दिया, और तीसरा अवैध उत्खनन किसी भी नदी का नहीं होना चाहिए। इन सब के संबंध में कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान हैं। मुझे बताया कि थाने में एफआईआर हुई है, अभी जो दोषी बताए गए उनकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है। इसमें सक्षम अधिकारी निश्चित ही निर्णय लेंगे। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में पूरा मामला है और शीघ्र इसमें कार्रवाई की। खासतौर से क्या इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, परसों की घटना को लेकर हम पत्रकार साथियों के साथ है, पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन साथ खड़ा है। इस घटना को लेकर ही तत्काल जो सुसंगत धाराएं थी उसमें प्रकरण कायम कर लिया गया है, आरोपी भी उसमें बना दिए गए हैं। जहाँ तक बात है मोबाइल छुड़ाने का और ऐसी धाराओं का, उसकी हम विस्तृत जाँच कराएंगे और उस सत्यता पाने पर वो धारा बढ़ाई भी जाएगी और इन सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसका मैं आपको आश्वासन दूँ। सर, खासतौर से खदानों में देखा गया कि बाहर के लोग आते हैं, ना उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो इस तरह काम करते हैं, वहाँ पे बंदूक लेके रहते हैं, जीते हैं, इस पर क्या सर ठोस कार्रवाई? ये चीज सामने आई है, आपके द्वारा भी ये बताया गया है, कुछ और वहाँ लोकल आदमी द्वारा भी बताया गया है। हम इन सभी आदमियों की जाँच करेंगे, इनकी मुसाफरी दर्ज करेंगे, और अगर ये कोई हथियार यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इस प्रकरण में हो या किसी और प्रकरण में हो, अगर वो हथियार अवैध होंगे तो हम आमजद की धारा भी इन पर बढ़ाएंगे। मुझे जानकारी मिली है कि अवैध रेत खनन के मामले में कुछ पत्रकारों पर अवैध रेत खनन करने वालों ने हमला किया है, इसका मुझे दुख है। मैं इस बारे में जिला प्रशासन से भी कहूँगा और हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष और विधायक जी उनसे भी कहूँगा, क्योंकि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।